हाँ, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक की स्टोरी देख ली थी कि वो जो हमारे चार्ल्स लैम जो राइटर हैं वो अपने गार्डन खाली रूम में आराम फरमाते या फिर आराम करते हैं, गार्डन में घूमते हैं अपनी, जब दादी के यहाँ जाते हैं, इतना बड़ा उनका घर है कि वो थक जाते घूमते घूमते, ठीक है। और इतने में ये क्या देखते हैं कि ये सब करते करते ये फ्रूट वूट लेते खाते थे अपने टाइम पर, वो रियलिटी में देखते हैं कि हमारा जो जॉन है वो जो है उनका फ्रूट ग्रेप्स उठाते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, और आपस में डिवाइड करके खाने लगते हैं। उतने में फिर कोई एक नई चीज़ रिमाइंड आती है, तो ये क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि तुम्हारे एक अंकल भी हुआ करते थे, मतलब इनके एक ब्रदर भी थे उस टाइम, तो इनके ब्रदर का नाम क्या था, जॉन लैम, चार्ल्स लैम के ब्रदर का नाम जॉन लैम। अभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि उनके बेटे का भी नाम लैम है, जॉन है, और उनके भाई का भी नाम जॉन है, तो दोनों का नाम जॉन है, कन्फ्यूज मत होइए, दोनों का नाम ही जॉन है, दोनों अलग अलग जॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर जो हमारी दादी थी, तुम्हारी दादी तुमको ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्यार करती, और जो मेरे भाई थे जॉन लैम वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, हट्टे कट्टे थे अच्छे खासे, और वो मतलब उन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद था, ये देखो काउंटी इन द मॉर्निंग, वो क्या हंटर हंटर, मतलब वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थे, वो हॉर्स राइडिंग किया करते थे, ठीक है, और वो हंटिंग करा करते थे, और वो उनको भी गार्डन में घूमना और बड़े कमरे में घूमना बहुत पसंद था, और उनमें एक बहुत अच्छी स्पिरिट थी, टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज स्पेंट विद देयर बाउंड्रीज, मतलब हमेशा घर में बैठने वाले बंदों में से नहीं थे वो, ठीक है। बहुत ब्रेव हैंडसम, जो कि सब लोग को पसंद आए, और उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पे कहा गया कि उनका जो फूटेड बॉय था, क्योंकि इनके पैर जब दुखते थे, आई वॉज लेम, तो वो उन्हें कंधे पर उठाकर तो कभी कभी घुमा करते थे, क्योंकि इनके पैर में दर्द रहता था, तो ये इन्हें उठाकर चला करते थे कभी कभी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये बताते हैं कि उस टाइम मुझे ये आइडिया नहीं था कि उन्होंने मतलब वो मेरे लिए इतनी मेहनत की, और जब वो मरे, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ही डाइड, तो तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा उन्होंने उनके लिए कुछ किया, और उन्होंने उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। डेड आउट इट सीम दैट एज इफ ही हैड डेड ग्रेट वाइल अगो, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत साल पहले गुजर चुके हैं, इतने दिन इतने ज़िंदगी, और वो बहुत बोर हो गए थे इनकी डेथ से, कि इनकी डेथ के बाद इनके साथ कोई भी नहीं था, ये हॉन्ट करती थी उनकी आत्मा इन्हें, ऐसा इन्हें लगता है, पर फिर भी ये रोए नहीं, ठीक है, इन्होंने दिल में बात रखी, और कभी ये मरेंगे तो ये उन्हें बहुत मिस करते अभी तो उनको, ठीक है, और ये उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं ये बताते हैं, और ये उन्हें बहुत काइंडनेस और क्रॉसनेस के साथ विश करते हैं कि वो फिर से ज़िंदा हो जाएं, तो वो उनके साथ और भी ज़्यादा बातें कर सके, कोरलिंग भी थी, मतलब बात कर सकूँ, झगड़ा ना करूँ और ज़्यादा, वो उनका झगड़ा होता है ना कोरलिंग, मतलब नोक झोंक रहती छोटी मोटी, तो छोटी मोटी नोक झोंक करूँ उसके साथ, फिर से खेलूँ उसके साथ, मतलब घूमूँ फिरूँ, ये सारी बातें ये बताते हैं, ठीक है। तो उनके चिल्ड्रन जो है वो इनकी इमोशनल स्टोरी, क्योंकि उनके जो चाचा है उनकी इमोशनल स्टोरी सुनकर रोने लगते, उन्हें ऐसा लगता है चार्ल्स लैम को, पर एक्चुअली में चार्ल्स लैम को ये नहीं पता कि उनके बच्चों को वो स्टोरी बहुत बोरिंग लग रही है, और वो चाहते हैं, यहाँ पे ये कहते हैं कि अंकल जो लैम का नहीं, हमें अपनी दादी के बारे में जानना है, तो हमें अपनी दादी के बारे में बताइए कि वो मरे कैसे, ठीक है। तो इन्हें बता, 7 साल हो गए, 7 साल से मैं उम्मीद में हूँ कि काश कभी मैं वापस एलिस के साथ, और फिर अचानक से ये जो अब एलिस की बात कर रहे हैं, इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम भी एलिस था, और इनकी बेटी का नाम भी एलिस है। अब क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले सस्पेंस खोल दिया था पिछले वीडियो में कि ये जो बच्चे हैं वो ड्रीम है, वो नाम भी किससे लिया गया, इनकी बीवी और इनके बच्चों भाई से इन्होंने नाम इंस्पायर करके कैरेक्टर बने इनके सपनों में, ठीक है, तो सपना चल रहा है पूरा एक। तो उनके जो चिल्ड्रन हैं वो कोइनेस डिफिकल्टी डिनाइल और मेडन्स व्हेन सडन टर्निंग ओवर टू एलिस द सोल फर्स्ट एलिस लुक्ड एट हिज आइज एंड सच अ रियलिटी दैट प्रेसिडेंट। अब अचानक से जब ये देखते हैं, ये एलिस के बारे में जब बात करते हैं, तो एलिस के बारे में बात करते करते बड़ी इन्हें दिक्कत होती है, और दिक्कत क्यों होती है फिर आगे जाके देखो तुम्हें पता चलेगा कि ये डाउट करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे सामने खड़े भी है कोई या नहीं खड़ा है। और वहाँ पर उन्हें समझ में आता है कि धीरे धीरे उनके बच्चे क्या होते हैं, फेंट होने लगते हैं, फेंट मतलब धुंधला धुंधला होना, और धीरे धीरे वो उन्हें दिखते ही नहीं है, टिल नथिंग एट लास्ट टू मॉर्नफुल फीचर्स, उनके जो बच्चे हैं वो उनसे दूर होते जाते हैं, कोई बात नहीं बोलते, स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन द इफेक्ट ऑफ चीज, तो ये बोलते हैं, और वो दोनों इनके सपनों में ये बोलने लगते हैं कि मैं एलिस नहीं हूँ और ना ही मैं वो हूँ, है ना, आपकी बच्ची हूँ, और हम एलिस और बाथरूम हमारे फादर हैं, बेडरूम फादर, वी आर नथिंग, हम कोई है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम एक ड्रीम है, ये सब बातें वो उनके ड्रीम में बताने लगते हैं, और हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, और आप हमारे बारे में मत सोचिए इतने ज़्यादा, और लेट मिलियंस ऑफ एज बिफोर वी एग्जिस्टेंस एंड अ नेम, हमारा कोई नाम नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और अचानक से वो उठ जाते हैं, और उतने उठने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो चेयर पे लेटे पड़े थे,
और टेबल पे उनका सर टिका हुआ था, और वो उनके जो भाई है जॉन लैम, एक्चुअल जो थे, एक्चुअल कैरेक्टर कौन थे, जॉन लैम, उनकी वाइफ एक एलिस, तो उनके बारे में ये अचानक से ध्यान आता है कि वो जा चुके हैं। एक्चुअली इनके भाई की जब डेथ होती है तो ये इनको वो ये सपना आता है कि अगर इनके बच्चे रहते तो उनको इनके बारे में ये स्टोरी सुनाते हैं, उनकी माँ के बारे में, उनके भाई के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि इनकी जो एलिस है, ठीक है, जब एलिस का इंट्रोडक्शन होता है तो उसे मतलब जो अपनी बेटी रहती है वो एलिस अपनी वाइफ की तरह दिखने लगती है, तब जाके इनका सपना टूटना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये स्टोरी समझ में आएगी, बहुत सिंपल स्टोरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ड्रीम चिल्ड्रन है, इनके जो ट्रे चिल्ड्रन से वो ड्रीम है, एक्चुअल नहीं थे। ठीक है।